है फर्स्ट फर्स्ट इज रिजेक्टेबल सेल्स. अभी रिजेक्टेबल से तुम क्या समझ में आ रहे हैं? रिजेक्शन करेक्ट. रिजेक्टेबल मतलब रिजेक्शन. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब सब आप एंटर हुआ ये सेल्स में, या मैंने भी एंटर हुआ ये सेल्स में, क्या हुआ था? आप जब एंटर हुए तो सेल्स में तो बहुत सारे नो सुनने को मिलते थे. तो हम लोग कैसे 150 कॉल करते हैं या 10 जगह जाते हैं तो क्या होता है? होगा नहीं होगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 50% चांसेस है. मतलब आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ. अनप्रेडिक्टेबल. मुझे कुछ पता नहीं क्या होने वाला है. होगा नहीं होगा, क्लोज होगा, होगा भी नहीं होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो ये होता है रिजेक्टेबल अप्रोच. एक रिजेक्टेबल सेलमैन, कोई भी सेल्समैन शुरू करता ना, ये यहां से शुरू करता है. कोई भी यहां पे शुरू करेगा ना, देखो. अब ये रिसीवेबल सेल्समैन क्या है पता है आपको? ये जो बंदा है ना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस है. ये बंदे ने थोड़ा ट्रेनिंग भी लिया है. ये थोड़ा गोल पे अपने फोकस भी रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे केसेस लाना है. यस सर ने बोला मेरे से इंसेंटिव हो सकेगा. आई वॉन्ट टू डू इट, आई विल डू इट. तो वो टाइप का आदमी. तो ऐसे टाइम पे इसका क्या होता है पता है? 1:1 का रेशो होता है. 1:1 का रेशो होता है. 1:1 का रेशो का मतलब समझते हो आप क्या है? क्या है कोई बताया? अगर टाइम को मिला एक झटके एक ही मीटिंग में उस तरह कॉल लगाया ना, वो अपॉइंटमेंट लेके बाहर आएगा. समीर सर चले गए ना, तो डिस्बस में निकल के रहेगी. फिर तो उसने कॉल लगाया ना, अभी दो अपॉइंटमेंट आएगा जाएगा. तो दैट इज कॉल कि बाबा मैं वहां गया तो काम होगा ही होगा, सेल्स होगा. पर इसके लिए क्या चाहता है? ये रिसीवेबल सेल मतलब रिसीव हुआ. रिजेक्ट में क्या हो गया? फिफ्टी. मैं गया सर, पता नहीं अल्टो वाला लिया नहीं लिया, अभी मुझे पता नहीं सर. मैं तो बड़ा अटैक करेगा, अल्टो दिखा देगा मेरा. बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. 50-50. यार ही नोज व्हाट टू डू. ही नोज व्हाट टू डू. ही रिहर्सल्स. वो अपना कॉलिंग को भी रिहर्स करता है कि बाबा हाँ ये मैं मॉक कॉल करूंगा. जाने से पहले मॉक कॉल करता है, कॉल लगाने से पहले मॉक कॉल. अभी तुम लोग ने बताओ फॉलो अप करने के टाइम आप लोगों ने कभी मॉक कॉल लगाया खुद से? समझो उसने बोला मेरे को कि बाबा तू इतना देर बात किया, अभी मेरे को संडे को फोन कर. तो क्या करते हैं हम लोग पहले बताओ? रिकॉल करते क्या बात हुआ था, उसको क्या डाउट्स है, इश्यूज है, क्वेश्चन लिखते, फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकालते और एक मतलब बता देगी उसको क्या है क्या हो सकता है. नहीं बट कॉल के पहले बोल रहा बेटा. कॉल के पहले सिर्फ इतना ही याद करते उसे क्या आपने क्या बात किया ना. बस फिर फोन उठा के डायल करके उसको कॉल लगा. राइट एवरीबडी विद यू. आई एम आल्सो विद यू. एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए ये रिसीवेबल कॉल्स में. जैसे इसने बोला परफेक्ट, एक तक का परफेक्ट था कि सर हमने उनको क्या बोला था वो जरा लिखा हुआ याद कर लो. अब उसको मॉक कॉल कर लो कि सर आपने मेरे को 10 दिन पहले बोला था कि आपकी गाड़ी की वजह से आप वो लोन नहीं ले पा रहे, आप लोनावाला में थे. तो ऐसा तो अंडरस्टैंड कि वो क्या आंसर देगा. वो हुआ तुम्हारा मॉक कॉल. वो मॉक कॉल अकेले में नहीं कर सकते हो, किसी फ्रेंड को लेके मैनेजर को लेके आप मॉक कॉल करना चाहिए. तब आपका 1:1 का रेशो बनता है. ये तो वापस आप इधर पे ही जाओगे रिजेक्टेबल सेल्स में. यू गो बैक टू दैट कि पता नहीं क्योंकि आपने फोन क्या लगाने के लिए. राइट है कि रॉन्ग है? सर उसने मुझे बोला. कितनी बार तुमने टेलीकॉल में आते बोलते उसने मुझे आके बोला सर डस्टर का कल देगा. ठीक है तो फिर बोला फिर आया क्यों नहीं? आप सोचो इसके बारे में. फिर वो आया क्यों नहीं? व्हाई इज द डील नॉट क्रैक? वो हुआ क्यों नहीं डील? वो क्योंकि आपने पहले उसको मॉक कॉल नहीं लगाया. अल्टो वाला आया, अल्टो वाले को क्या मॉक कॉल लगाना चाहिए था? बीएमडब्ल्यू का कॉल हो रहा था उसका क्या मॉक कॉल? तो मॉक कॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे कर रहे हो. उससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पता है क्या पता है. और ये मॉक कॉल आप अपने बॉस के साथ लो, सीनियर के साथ लो. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.